हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द बेसिक्स इन स्टेफर ऑफ फिजिक्स ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ सस्पेंशन. सो इन फिजिकल फिजिक्स सेकेंड फोर्थ सेमेस्टर थर्ड ईयर में टॉपिक इज देयर. इसमें हम देखेंगे कि इसे इंटरफेशियल प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन कैसे कैसे है. लेट्स बिगिन विद दिस. सो इंटरफेशियल प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन, इसमें दो चीजें हैं. सरफेस फ्री एनर्जी आती है, एक सरफेस पोटेंशियल आता है. सरफेस फ्री एनर्जी क्या होती है कि प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन, मतलब सस्पेंशन बनाने के लिए क्या करते हैं, उसमें पार्टिकल साइज क्या होती है, उसको डिक्रीज करते हैं. ठीक है, डिक्रीज करेंगे तो क्या होगा, डिक्रीज करने से इसकी सरफेस एरिया इंक्रीज होगी. ठीक है, सस्पेंशन बनाना तो पार्टिकल साइज बड़े अंदर क्या होगा, सारे सारे सपोर्ट डाउन जाएंगे, वो सस्पेंड रहेंगे, सस्पेंशन स्टेट में नहीं रहेंगे. ठीक है, उसका साइज रिडक्शन किया, रिडक्शन करने पर क्या हुआ, सर्फेस एरिया इंक्रीज हुआ. सर्फेस एरिया इंक्रीज होने से क्या होता है, इंक्रीज सर्फेस स्पीड मीन्स सरफेस एरिया जब इंक्रीज होगा, कैसे इंक्रीज होगा, जब पार्टिकल साइज डिक्रीज होगा. ठीक है, पार्टिकल साइज को डिक्रीज किए, सरफेस एरिया इंक्रीज हुआ, सरफेस एरिया इंक्रीज होगा उसी के साथ में सरफेस फ्री एनर्जी भी इंक्रीज होगी. ठीक है, तो सरफेस फ्री एनर्जी कैसे इंक्रीज होती है, इज इंक्रीज इन सरफेस एरिया. सरफेस एरिया कब इंक्रीज होता है, जब पार्टिकल साइज को रिड्यूस करते हैं. ठीक है, इसको ऐसे समझ सकते हैं, जब हम सस्पेंशन को बनाना है तो क्या करेंगे, पार्टिकल्स जिस भी पार्टिकल्स आपको सस्पेंशन बनाना है तो पार्टिकल साइज को आप रिडक्शन करेंगे, पार्टिकल साइज को छोटा करेंगे. छोटा करेंगे तो क्या होगा, उसका सरफेस एनर्जी और सरफेस एरिया उसका इंक्रीज होगा. सरफेस एरिया इंक्रीज होगा तो उसका साथ में ही, जब सरफेस एरिया इंक्रीज होगा तो सरफेस की एनर्जी भी इंक्रीज होगी. मीन्स इंक्रीज सरफेस एरिया, इंक्रीज सरफेस एनर्जी. ठीक है, सरफेस एरिया इसका इंक्रीज कर रहे, सरफेस एनर्जी साथ में इंक्रीज हो जाएगी. अब इसके बाद में क्या आता है, अब इसके बाद इसमें ये समझने वाली जो बात है वो है कि इसमें रिप्रेजेंटेशन है इसका, किस तरह से इसका ये चीजें हो रही है. इसमें क्या दिखा रहा है कि आपका एक पार्टिकल है, उसके चार सर्फेस है. ठीक है, सपोज करो चार सर्फेस है. ठीक, अब उसकी लेंथ अगर देखा जाए तो फोर सर्फेस की लेंथ निकाल रहे. ठीक है, अब उसको ब्रेक डाउन किए तो क्या हुआ, वो दो भाग में इक्वल अमाउंट में टूट गए. ठीक है, तो क्या हुआ, इस तरह से उसका साइज रिडक्शन हो रहा है. इस तरह से साइज रिडक्शन होता है, साइज रिडक्शन होता है तो सर्फेस बढ़ जाता है. मीन्स वेट वाइज कम नहीं होगा लेकिन नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ जाएंगे. ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, जैसे सरफेस फ्री एनर्जी इंक्रीज हो रही है तो क्या हो रहा है, सस्पेंशन बिकम्स अनस्टेबल. सरफेस फ्री एनर्जी जब बढ़ती है तो क्या होता है कि सस्पेंशन आपका अनस्टेबल हो जाता है. ठीक है, थर्मोडायनामिकली अनस्टेबल हो जाता है. तो अनस्टेबल होने के किस में करते हैं, हम क्या करेंगे कि सरफेस फ्री एनर्जी जब अनस्टेबल होगा तो क्या होगा, बाई फॉर्मिंग फ्लॉकुलेशन फ्लॉकुलेटेड एग्रीगेट्स. क्या होगा, जब फ्लॉकुलेशन होगा, एग्रीगेशन फॉर्म होगा, फ्लॉकुलेशन जब फेस करेगा तो क्या होगा, सरफेस फ्री एनर्जी डिक्रीज होगी. अनस्टेबल होगा सरफेस फ्री एनर्जी, जैसे सरफेस फ्री एनर्जी डिक्रीज हुई, सस्पेंशन क्या हुआ, अनस्टेबल हो गया. अब इसको स्टेबल करना है तो सरफेस फ्री एनर्जी की रिड्यूस करनी पड़ेगी. अब सरफेस फ्री एनर्जी इसको रिड्यूस करने क्या करेगा, इसमें हम बाय फॉर्मिंग फ्लॉक्स या एग्रीगेट फॉर्म करेंगे, उसमें फ्लॉकुलेशन कॉज करेंगे. जो ये वाला पार्ट है, समझ रहे, जो आपका ये वाला पार्ट है, इंक्रीज सरफेस फ्री एनर्जी हो गया, ये तो ठीक है, लेकिन सरफेस फ्री एनर्जी इंक्रीज हुई तो क्या हुआ, ये आपका सस्पेंशन अनस्टेबल हो गया. ठीक है, सस्पेंशन अनस्टेबल हो गया तो अब इसको क्या, मेरे पास क्या, हमारे पास क्या चैलेंज आएंगे,
कि उसको वापस हमको स्टेबल करना है। स्टेबल करने के क्या करेंगे हम, उसकी सरफेस फ्री एनर्जी रिड्यूस करेंगे टू मेंटेन द सस्पेंशन, तो सस्पेंडिंग जो प्रॉपर्टी है उसको मेंटेन करने के लिए उसको हम सरफेस फ्री एनर्जी कम करेंगे। और सरफेस फ्री एनर्जी कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, उसको फ्लॉक्युलेशन करना पड़ेगा, फ्लॉक्यूल्स में एग्रीगेट्स फॉर्म करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसमें होंगी। अब इसके बाद में क्या समझा रहा है इसमें कि सरफेस फ्री एनर्जी के लिए जो फॉर्मूला है क्या है, डेल्टा जी इज इक्वल टू वाई एल एस इंटू डेल्टा ए, ठीक है। डेल्टा जी क्या है, सरफेस फ्री एनर्जी है, एसएल क्या है, सरफेस टेंशन बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड इंटरफेस का, और डेल्टा ए क्या है, चेंज इन एरिया, ठीक है भाई। एडिंग वेटिंग एजेंट, अब देखिए यहाँ पे वापस आइए इस वाले पार्ट में कि किस तरह से कर रहे हैं, ये बहुत ही सिंपल है, आप इसको समझ जाएंगे। देखिए इसमें क्या कह रहा है, पहले क्या हो रहा था प्रोसेस को समझते जाएंगे। पहले क्या कह रहा है, सस्पेंशन बनाना, ठीक है। सस्पेंशन बनाना है तो क्या करना पड़ेगा हमको, साइज रिडक्शन करना है उस पार्टिकल का जिसका हमको सस्पेंशन फॉर्म करना है, ठीक। सस्पेंशन फॉर्म करने के बाद साइज रिडक्शन किया, साइज रिडक्शन किया तो क्या हुआ, सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया, रिड्यूसिंग द स्मॉलर द पार्टिकल साइज मोर द सरफेस एरिया। अब क्या हो रहा है, मोर द सरफेस एरिया, मोर द सरफेस एरिया क्या कर रहा है, मोर द सरफेस फ्री एनर्जी, ठीक है। मतलब सीधे सीधे क्या है, इंक्रीज सरफेस एरिया, सरफेस एरिया बढ़ा रहा है तो क्या हो रहा है, सरफेस फ्री एनर्जी इंक्रीज हो रही है। लेकिन जब सरफेस एनर्जी ज्यादा इंक्रीज होगी तो क्या होगा, सस्पेंशन बिकम्स अनस्टेबल, सस्पेंशन आपका अनस्टेबल होगा, दैट इज कॉल्ड थर्मोडायनामिकली अनस्टेबल फॉर्म हो जाते हैं। फिर हमारे पास क्या दिक्कत है, हमारा सस्पेंशन फिर से अनस्टेबल हो जाएगा। फिर हमको चैलेंज क्या है, हमको वापस उसको स्टेबल बनाना है, तो क्या करेंगे हम लोग, हम लोग उसका सरफेस फ्री एनर्जी कम करेंगे। सरफेस फ्री एनर्जी कम करने के लिए करना पड़ेगा, हम उसमें उसका उस जो सस्पेंशन है जो अनस्टेबल हो गया उसको हम लोग उसमें फ्लॉक्युलेशन करेंगे, उसका एग्रीगेट फॉर्म कराएंगे उसमें सॉलिड से। उसके लिए क्या करते हैं, या फिर क्या करेंगे, बाय एडिंग वेटिंग एजेंट, उसमें हम लोग वेटिंग एजेंट ऐड करेंगे। तो वेटिंग एजेंट ऐड करेंगे तो क्या होगा कि वो उसमें वेटेबिलिटी की इंक्रीज होगी। और फिर एक और क्या करते हैं, उसमें सर्फेक्टेंट ऐड करते हैं। ये सारी चीजें फ्लॉक्युलेशन, वेटिंग एजेंट्स, सर्फेक्टेंट्स, ये क्या कर रहे हैं, ये सरफेस फ्री एनर्जी को रिड्यूस कर रहे हैं। दे आर रिड्यूसिंग द सरफेस फ्री एनर्जी बाय फॉर्मिंग एग्रीगेट्स, बाय एडिंग ऑफ वेटिंग एजेंट्स, बाय एडिंग ऑफ सर्फेक्टेंट्स, जिससे कि आपका अनस्टेबल सस्पेंशन विल टर्न इनटू स्टेबल, ठीक है। ये सारी अपनी चीजें। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या बोल रहा है इसमें, और इसके बाद में देखेंगे नेक्स्ट क्या कर रहा है इसमें। इसमें कह रहा है टू प्रिपेयर सस्पेंशन, पार्टिकल साइज रिड्यूस्ड, सरफेस एरिया इंक्रीज होता है, फिर सरफेस फ्री एनर्जी भी इंक्रीज हो रही है, फिर क्या सस्पेंशन बिकम थर्मोडायनामिकली अनस्टेबल। फिर क्या कर रहा है, टू मेक स्टेबल वी हैव टू डिक्रीज सरफेस फ्री एनर्जी बाय फ्लॉक्युलेशन, वेटिंग एजेंट्स, सरफेस बाय एडिंग सर्फेक्टेंट्स। ये इतना प्रोसीजर है। अब इसमें नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि सेटलिंग ऑफ सस्पेंशन, सस्पेंशन की सेटलिंग कैसे हो रही है, ये यहाँ समझना। तो क्या हो रहा है इसमें, पहले स्टेप में देखिए फ्लॉक्युलेटेड सस्पेंशन है, क्या कर रहा है, पहले सस्पेंशन है, पार्टिकल्स आर इन एग्रीगेट फॉर्म, एग्रीगेट फॉर्म कर रहा है, नेटवर्क इज फॉर्म बिटवीन पार्टिकल्स, पार्टिकल के बीच में नेटवर्क फॉर्म है, ठीक है। फिर सेकंड स्टेप, सेकंड स्टेप में क्या दिखा रहा है, सेटलिंग ऑफ पार्टिकल इज फास्ट, ठीक है। फ्लॉक्युलेटेड में क्या कर रहा है, पार्टिकल्स आर इन एग्रीगेट फॉर्म, नेटवर्क इज फॉर्म बिटवीन पार्टिकल्स। फिर नेक्स्ट क्या कर रहा है, आफ्टर सम टाइम विद टाइम क्या हो रहा है, सेटलिंग ऑफ पार्टिकल इज फास्ट। फिर क्या हो रहा है, नो हार्ड केक इज फॉर्म, कोई हार्ड केक फॉर्म नहीं कर रहा है, इन किसमें, फ्लॉक्युलेटेड सस्पेंशन में। वेयर इज डिफ्लॉक्युलेटेड क्या हो रहा है, डिफ्लॉक्युलेटेड सस्पेंशन क्या हो रहा है कि आपके पार्टिकल्स आर क्या हो रहा है इसमें, सेपरेट पार्टिकल्स यहाँ पे सेपरेट है। ये देखिए यहाँ पे आपको कर रहे हैं कैसे, देखिए यहाँ पे आपके
फ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन था। फ्लॉकुलेट सस्पेंशन क्या था, ये देखिए ये आपके जो एग्रीगेट्स हैं या एग्रीगेट फॉर्म कर रहे हैं पार्टिकल्स, इनके बीच में नेटवर्क फॉर्म है, ठीक है, और विद टाइम क्या हो रहा है, ये सेटल डाउन हो रहे हैं, ठीक है, ये सेटल डाउन, नीचे सेटल डाउन हो गए, ये नीचे की तरफ सेटल डाउन हो रहा है, ठीक। अब इसमें क्या हो रहा है, नीचे की तरफ सेटल डाउन हो रहा है, तो ये क्या होगा, इसमें एग्रीगेट फॉर्म नहीं होगी, मीन्स ये हार्ड के फॉर्म नहीं करेंगे, सेटलमेंट जैसे जो नेटवर्क फॉर्म होते हैं सेटलमेंट फास्ट होता है, ठीक है। वेरस अब दूसरा केस देखिए, डीफ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन में क्या हो रहा है, डीफ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन में आपके इनिशियल जो दिखा रहा है, देखिए क्या हो रहा है, सारे पार्टिकल्स अलग अलग हैं, पार्टिकल्स आर सेपरेट, नो नेटवर्क इज फॉर्म, कोई नेटवर्क नहीं है, लेकिन विद टाइम जैसा कुछ टाइम बीतता है क्या होता है, सेटलिंग इज स्लो, जो सेटलिंग प्रोसेस है वो स्लो हो जाती है, जैसे इसमें सेटलिंग स्लो है, इट विल टेक मोर टाइम टू सेटल, ठीक है, बट वंस इट इज सेटल डाउन, एक बार बैठ गया तो फिर हार्ड केक फॉर्म पर जाएगा और इसको हम लोग रीडिस्पर्स नहीं कर सकते हैं, वेयरएज फ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन केस में हम लोग उसको रीडिस्पर्स कर सकते हैं ऑन डेंटल से के, ठीक है, ये थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस है, ठीक। अब इसके साथ में आप एक चीज और देखेंगे, रेट ऑफ सेडिमेंटेशन बाय स्टोक्स लॉ। स्टोक्स लॉ सेडिमेंटेशन ऑफ सस्पेंशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसके लिए फिर स्टोक्स लॉ का फॉर्मूला भी है, v = d / rho h - rho 0 / 18 eta 0 into g, where v is rate of sedimentation, d diameter of particles, rho s yeah, density of sedimentation particles, sedimented particles, rho 0 density of dispersed medium, eta g kya hai, related to gravity, eta 0 viscosity of dispersion medium. अब जैसे स्टोक्स लॉ क्या कहता है, ओनली फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन ये बताता है, स्टोक्स लॉ इज रिस्ट्रिक्टेड टू ओनली डाइल्यूट सॉल्यूशन व्हिच इज हैविंग 0.5 to 2% वेट बाय वॉल्यूम सॉलिड्स, ठीक है, 0.5 to 2% सॉलिड का सस्पेंशन रहेगा तो वही स्टोक्स लॉ वर्क करेगा, ठीक। अब इसके बाद में आपका आता है so for high concentration particle interferes modified Stokes law, इसमें क्या करते हैं आप v dash को v e to the power n से करते हैं, जैसे e क्या porosity है और h n क्या है handling, ठीक है, तो उससे replace करने से क्या है कि जो भी आपका जहां पे आपका Stokes law fail कर रहा था उसको overcome करने को, ठीक है, where v dash is falling rate at the interface in centimeter per second and v is velocity of sedimentation, ठीक है। इसके बाद आपका जो most important part है इसका DLBO theory, ये आपका exam में अक्सर पूछता भी DLBO theory, ठीक है, dustbin then do we railway over rail, ठीक है। अब ये क्या थ्योरी दिए थे, देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें थ्योरी में क्या था, ये इन्होंने चार चीजें मेंशन की थी थ्रू ग्राफ, ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे इन्होंने ग्राफ बनाया था, और ये यहाँ पे कंसीडर क्या कर रहे हैं, देखिए इसमें जो आपको इसमें समझना है, क्या समझना है इसमें आपको, ये आपका इसमें दो चीजें हैं, एक आपका ये पोजिशन है और आपका ये पोजिशन, मीन्स आपको जब ये पोजीशन से कोई चीज आपको पार्टिकल्स इस पोजीशन से इस पोजीशन तक लाएंगे तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है, क्या क्या होता है, उसी का ये पूरा ग्राफ है। अब इसमें क्या बता रहा है, पार्टिकल्स विद सेम चार्जेस, अब क्या कह रहा है, अगर दोनों पार्टिकल्स के बीच में सेम चार्जेस, मीन्स तो समझिएगा इसमें क्या है कि यहाँ पे आपका पॉजिटिव, यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज है और फिर यहाँ पे भी आपका पॉजिटिव चार्ज है, तब क्या होगा, ठीक है, पार्टिकल विद सेम चार्जेस ब्रॉट टुगेदर, इन दोनों को पास ले आएंगे तो क्या होगा, ये चार सिचुएशन दिए हुए हैं, वही चार सिचुएशन पे इनका सारा चीजें है, फिर क्या कर रहा है, सेकंड क्या कर रहा है, अपोजिट चार्ज पार्टिकल्स विद
अपोजिट चार्ज ब्रॉट टुगेदर, मतलब एक इसमें से क्या होगा माइनस कर देंगे, तो ये अपोजिट चार्ज का हो गया, ठीक है, ब्रॉट टुगेदर, तो क्या पोजीशन होगी, क्या कंडीशन होगा, फिर क्या कर रहा है थर्ड, पार्टिकल्स सेम चार्जेस विथ सेम चार्जेस सेम चार्ज विथ फोर्स ब्रॉट टुगेदर, अब कह रहा है कि दोनों में सेम चार्जेस हैं बट सेम चार्जेस के बाद में उनको विथ फोर्स टुगेदर लाया जाएगा, पास में लाया जाएगा, तो क्या, ठीक है, और जो फोर्थ से है सेम चार्जेस एंड एड इलेक्ट्रोलाइट, अब यहाँ सेम चार्जेस है इसमें इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे तो क्या होगा, ठीक है, अब ये सारी चीजों पे आपका ये ग्राफ प्लॉट किया गया, ठीक है, इसमें आप देखिए जो इसमें दिया है कि ये सारी चीजों को इसको एक्सप्लेन किया गया है, ठीक, तो इसको हम लोग थोड़ा सा डिटेल समझेंगे, इसमें जो चीज समझने वाली क्या चीजें हैं, प्राइमरी मिनिमम क्या करती है, इसलिए आपका ये वाला पार्ट प्राइमरी मिनिमम का आता है, ठीक है, ये आपका प्राइमरी मिनिमम का है, ये आपका पार्ट सेकेंडरी मिनिमम का है, ठीक, तो क्या बोल रहा है, प्राइमरी मिनिमम क्लोजली पैक पार्टिकल्स, ठीक है, कैन नॉट बी डिडिस्पर्स्ड एंड अनस्टेबल कैन नॉट बी डिस्पर्स, ठीक है, और उसके बाद क्या कर रहा है, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन टेक्स प्लेस, ये प्राइमरी मिनिमम है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, फिर क्या होगा, फॉलोड बाई कोएगुलेशन, वेयर एज जो आपका सेकेंडरी मिनिमम है उसमें क्या बता रहा है, लूजली पैक है, मीन्स यहाँ पे आपके टाइटली पैक है और यहाँ पे आपके लूजली पैक है, ठीक है, दे आर लूजली पैक पार्टिकल्स कैन बी रिडिस्पर्स बिकॉज दे आर स्टेबल, अब इसके जो यहाँ पे जो कोलाइडल पार्टिकल्स रहेंगे वो इस सिचुएशन पे सेकेंडरी मिनिमम के पास में वो क्या है, वीक अट्रैक्शन उसमें है और फ्लॉकुलेशन टेक्स प्लेस, ठीक है, वीक अट्रैक्शन रहते हैं वो फ्लॉकुलेशन टेक्स प्लेस जो कि स्टेबिलिटी की निशानी है, ठीक है, तो आपका ये सारी चीजें हैं, देखिए जब दो सेम चार्जेस हैं उनको साथ लेके आएंगे तो क्या होगा, वो रिपल्सन करेगा और जो ग्राफ देख रहे हैं आप क्या हो रहा है, वो आपका बी आर डी में पोटेंशियल रिपल्सन कर रहा है, अट्रैक्शन रहेगा पोटेंशियल अट्रैक्शन करेगा, और जो वी एम देख रहे हैं पोटेंशियल मैक्सिमा जो है वो आपका मैक्सिमम है जहां पे ये आपका मैक्सिमम जा रहा है, उसके बाद से ये आपका नीचे ग्राफ आएगा प्राइमरी मिनिमम वाला, ठीक है, ये सारी चीजें आपको हैं जो बेसिक इसमें डीएल वीओ थ्योरी में, इसके बाद में क्या कह रहा है, क्लासिफिकेशन ऑफ सस्पेंशन, सस्पेंशन के क्लासिफिकेशन में क्या आता है, सस्पेंशन के क्लासिफिकेशन में देखिए इसको ये क्या थर्मोडायनामिक अनस्टेबल फंक्शन बेस्ड ऑन कैरेक्टर एंड बिहेवियर ऑफ सॉलिड, मींस डिस्पर्शन फेज पे डिपेंड करता है सस्पेंशन क्लासिफिकेशन क्या हो रहा है, तो सस्पेंशन आर क्लासिफाइड एज दो तरह से क्लासिफाई किया गया, फ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन एंड डीफ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन, फ्लॉकुलेटेड में क्या हो रहा है, नेटवर्क बिटवीन द पार्टिकल्स, फ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन में इनके आपस में क्या हो रहे हैं, नेटवर्क फॉर्म हो रहे हैं, एग्रीगेट फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है, वेयर एज डीफ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन केस में क्या हो रहा है, ऑल पार्टिकल्स आर सेपरेट, एग्रीगेट फॉर्म नहीं हो रहा है, पार्टिकल्स सब अलग अलग हैं, प्रतीत हो रहे हैं, ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट क्या कर रहा है, फ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन में सेडिमेंटेशन सेटलिंग इज फास्ट, फ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन में सेडिमेंटेशन का प्रोसेस और सेटलिंग का प्रोसेस जल्दी होता है इन कंपेयर टू डीफ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन, मतलब डीफ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन में सेडिमेंटेशन और सेटलिंग इज स्लो, धीमा होता है, अब उसके बाद नेक्स्ट क्या कह रहा है, सॉलिड पार्टिकल्स कैन बी रीडिस्पर्स्ड ऑन जेंटल शेकिंग, फ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन में सॉलिड पार्टिकल्स कैन बी रीडिस्पर्स ऑन जेंटल शेकिंग, जेंटल शेकिंग से रीडिस्पर्स हो सकता है, वेयर एज इन डीफ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन के केस में क्या हो रहा है,
वन सेडिमेंटेशन टेक्स प्लेस, एक बार सेडिमेंटेशन हो गया तो क्या होगा, कैन नॉट बी डिस्पर्स, ये वापस डिस्पर्स नहीं कर सकते हैं। फिर क्या होगा, डिस्पर्स नहीं कर पाएंगे तो अब देखिए इसमें अगेन यहाँ पे जो फ्लॉकुलेटेड वाला पार्ट था उसमें क्या कर रहा है, ये सेडिमेंट क्या हो रहा है, फ्लॉकुलेटेड वाले ये सेटल डाउन फास्ट होते हैं, यूजली पैक होते हैं, सॉलिड पार्टिकल्स कैन बी रिडिस्पर्स ऑन डेंटल चेकिंग, इट डू नॉट फॉर्म हार्ड केक, ये हार्ड केक नहीं फॉर्म करते हैं, और वेयरएज जो आपका डिफ्लॉकुलेटेड है ये हार्ड केक फॉर्म करते हैं। हार्ड केक फॉर्म करने मतलब ये मेदी में बैठ जाएंगे, चिपक जाएंगे, ठीक है, और जो हार्ड केक फॉर्म नहीं करेगा वो क्या रहेगा, लूजली पैक रहेगा, जो हार्ड केक फॉर्म करेगा वो क्या रहेगा, टाइटली पैक रहेगा, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या कहता है, पार्टिकल साइज इज लार्ज ड्यू टू नेटवर्क, अब क्या है, पार्टिकल्स छोटे रहते हैं बट उनके ऊपर के साथ में नेटवर्क फॉर्म है, नेटवर्क फॉर्मिंग से क्या होता है कि वो अपने आप को बिगर देन द एक्चुअल पार्टिकल साइज, वो अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं, क्यों, क्योंकि वो नेटवर्किंग फॉर्म में है, इसलिए नेटवर्क पूरा एक ही मॉलिक्यूल को कंसीडर कर लेता है, जिससे कि उसके पार्टिकल साइज बड़े हो जाते हैं, हैवियर हो जाते हैं, और उसका सेटलिंग फास्ट होता है, ठीक है। अब इसके बाद से डिफ्लॉकुलेटेड क्या होता है, पार्टिकल साइज इज वेरी स्मॉल, इनके पार्टिकल साइज छोटे होते हैं, फिर क्या होता है, पार्टिकल साइज इज लार्जर डिफ्लॉकुलेटेड में, उसको फ्लॉकुलेटेड आपको बता दिया गया। अभी क्या कर रहे हैं, पार्टिकल साइज रेंज साइज इज लार्ज एंड सरफेस एरिया इज लेस, सरफेस एरिया इसमें कम होता है, पार्टिकल साइज कम है, पार्टिकल साइज छोटा किए हैं तो सरफेस एरिया तो बढ़ गया, लेकिन नेटवर्क फॉर्म होने के नाते वो क्या हो रहा है कि पार्टिकल साइज बड़ा दिखता है, बट बड़े दिखने के साथ में मीन्स एक तरह से अजम्पशन है कि बड़ा हो गया, क्योंकि वो जो आउटर सर्फेस है उसका वो आपस में नेटवर्क फॉर्म में कनेक्टेड है, ठीक है, बट सर्फेस एरिया हैज ऑलरेडी बीन इंक्रीज्ड, लेकिन यहाँ पे सर्फेस एरिया इज लेस हो रहा है, ठीक है, वायबिलिटी भी लेस हो रही है, वेयर एज इन डीप लोकेटेड में क्या हो रहा है, पार्टिकल साइज इज वेरी, पार्टिकल साइज इज वेरी स्मॉल, सर्फेस एरिया इज मोर एंड वायबिलिटी इज मोर, ठीक है। तो ये सारे क्या है, सस्पेंशन सॉरी इमल्शन लोकेटेड डीप लोकेटेड में डिफरेंस भी हो गया, ये इसके टाइप्स का भी है क्या। नेक्स्ट आपका आता है फॉर्मुलेशन ऑफ सस्पेंशन, सस्पेंशन को कैसे फॉर्मुलेट करना है, ठीक है। तो इसमें फॉर्मुलेशन में आपका क्या है, पहले क्या क्या एजेंट्स रिएजेंट्स पढ़ते हैं उनको देखना है, तो फ्लॉकुलेटिंग एजेंट क्या होते हैं, डिस्पर्सन ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स कैन बी इंक्लूड बाय एडिंग अ सर्फेक्टेंट और प्रोटेक्टिव कोलाइड्स व्हिच एक्ट्स एज फ्लॉकुलेटिंग एजेंट्स, these flocculating agents again it acts by reducing surface tension, ठीक है, इसको surface tension इसका reduce करेगा, again जब इसका surface tension reduce means जो particle जो मैं suspension देखेंगे तो जो भी particles में solubility उनकी कम थी, water के साथ में easily वो suspend नहीं हो पा रहे थे, उनकी वो acceptance बढ़ा रहा है, reduce the surface tension मतलब बीच में जो tension थी उसको कम कर रहा है, ठीक है। अब क्या कर रही है, इट एक्ट्स बाय रिड्यूसिंग सरफेस टेंशन, देन क्या करेगा, इंप्रूव डिस्पर्शन ऑफ सॉलिड एंड फ्लॉकुलेशन टेक्स प्लेस, ठीक है, फॉर्म्स फ्लॉक्स, अब इसके बाद से ये ब्लॉक होगा, फ्लॉकुलेशन हो जाएगा, ठीक है। एक बार फिर देखिए कैसे हो रहा है, फ्लॉकुलेटेड फ्लॉकुलेटिंग एजेंट कैसे काम कर रहा है, डिस्पर्शन ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स कैन बी इंप्रूव्ड बाय एडिंग अ सर्फेक्टेंट और प्रोटेक्टिव कोलाइड्स which acts as, अब देखिए surfactant और protective colloids किस तरह से act करते हैं, they act as flocculating agents, ये आपका MCQ question भी हो गया, surfactant protective colloids also acts as इसकी तरह से flocculating agents, it acts by reducing, अच्छा कैसे act करता है flocculating agents, by reducing surface tension, ये surface tension कम करता है, कौन कौन से, surfactant और protective colloids add करने पे ये क्या कर रहे हैं,
ये आपका सरफेस टेंशन रिड्यूस कर रहे हैं, और सरफेस टेंशन रिड्यूस होने से क्या हो रहा है, इंप्रूव डिस्पर्शन ऑफ सॉलिड एंड डीफ्लोकुलेशन एंड फ्लोकुलेशन टेक्स प्लेस। ठीक है, इंप्रूव डिस्पर्शन ऑफ सॉलिड, सॉलिड डिस्पर्शन को इंप्रूव कर रहा है, एंड फिर क्या हो रहा है, फ्लोकुलेशन टेक्स प्लेस, और इसके बाद क्या होता है, ये फ्लॉक्स फॉर्म। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। इसका एग्जांपल देखिए क्या है, सर्फेक्टेंट का एग्जांपल क्या है, सोडियम बाइक्लोराइट, दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज सर्फेक्टेंट इन फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन, SLS, देन स्पैंस, क्विंस एंड प्रोबायोटिक्स, ये इसके एग्जांपल्स। नेक्स्ट इसका क्या पूछ रहा है, ये क्या कह रहा है, थिकनिंग एजेंट। अब आपके फ्लॉकुलेटिंग एजेंट्स के बाद में नेक्स्ट आपका जो ग्रेड पड़ता हुआ है थिकनिंग एजेंट। ठीक है, थिकनिंग एजेंट क्या करता है, दीज आर हाइड्रोफिलिक कोलाइड्स। देखिए ये सारे एमसीक्यू में आ सकते हैं कि ये पूछता है कि थिकनिंग एजेंट्स दे आर हाइड्रोफिलिक कोलाइड्स, तो हाइड्रोफिलिक कोलाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर हाइड्रोफिलिक कोलाइड, उसमें दिया रहेगा आपको नाम, उसमें अगर थिकनिंग एजेंट का नाम दिया है तो यू हैव टू टिक ऑन द थिकनिंग एजेंट, बिकॉज थिकनिंग एजेंट आर हाइड्रोफिलिक कोलाइड्स फॉर कोलाइडर डिस्पर्शन विथ वाटर। ठीक है, थिकनिंग एजेंट्स दे आर हाइड्रोफिलिक कोलाइड्स एंड फॉर्म कोलाइडर डिस्पर्शन विथ वाटर, वाटर के साथ में कोलाइडर डिस्पर्शन फॉर्म करते हैं, और फिर क्या कर रहा है, इंक्रीजिंग विस्कोसिटी ऑफ कंटिन्यूअस स्पेस, डिस्पर्शन मीडियम का ये विस्कोसिटी भी इंक्रीज करते हैं इन विस्कस, क्या होता है फिर, इन विस्कस डिस्पर्शन मीडियम सॉलिड पार्टिकल्स, क्या हो रहा है इसमें, डिस्पर्शन फेज जो क्या कर रहा है इसमें, रिमेन्स सस्पेंडेड फॉर लॉन्गर टाइम, क्या हो रहा है इसमें, इन विस्कस डिस्पर्शन मीडियम, जब डिस्पर्शन मीडियम विस्कस हो जाता है देन क्या होता है कि सॉलिड पार्टिकल जो डिस्पर्शन फेज है रिमेन्स सस्पेंडेड, ज्यादा दिन तक सस्पेंडेड रहेगा फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, ज्यादा समय तक, लंबे समय तक ये स्पर्स रहने में हेल्प करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है इसमें, थिकनिंग एजेंट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू, किसमें किसमें क्लासिफाई कर रहे हैं, पॉलीसेकेराइड्स, इनऑर्गेनिक एजेंट्स एंड सिंथेटिक कंपाउंड्स। पॉलीसेकेराइड्स में क्या होता है, नेचुरल सिंथेटिक। ठीक है, अब इसमें नेचुरल सिंथेटिक में पॉलीसेकेराइड्स में आ गया, इनऑर्गेनिक एजेंट्स में आ गया, सिंथेटिक इसमें। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा डिटेल देखेंगे हम लोग, पॉलीसेकेराइड्स में क्या होते हैं, पॉलीसेकेराइड्स में ये आपका पहला आता है नेचुरल पॉलीसेकेराइड्स, उसमें क्या है पहला, गम एकेशिया, गम एकेशिया ये आपको नेचुरल गम है, ये कंपाउंड ट्राइकैंथ पाउडर कंटेन्स, एकेशिया कंपाउंड ट्राइकैंथ पाउडर कंटेन्स 20% एकेशिया, 15% ट्राइकैंथ, 20% स्टार्च। ठीक है, क्या इसमें 20% एकेशिया, 50% ट्राइकैंथ, 20% स्टार्च एंड सुक्रोज, ये आपका कंपाउंड ट्राइकैंथ एकेशिया का है। नेक्स्ट आपका आता है ट्राइकैंथ, इसमें क्या है, बेटर देन एकेशिया ये है, दिस इज आल्सो नेचुरल गम, और ये कैसा है, ये आपका बेटर गम है, ये कहते हैं बेटर पॉलीसेकेराइड्स, नेचुरल पॉलीसेकेराइड्स है देन एकेशिया। ठीक है, अब इसके बाद क्या करते हैं, बेटर देन एकेशिया इज यूज्ड एज कंपाउंड ट्राइकैंथ और ट्राइकैंथ मिश्रित की तरह यूज करते हैं, मतलब वाटर के साथ मिश्रित बनाएंगे उसका, कंसंट्रेशन 1/4 वॉल्यूम ऑफ वाटर और क्लोरोफॉर्म वाटर। ठीक है, वाटर क्लोरोफॉर्म या क्लोरोफॉर्म वाटर को यूज करते हैं। देन आपका नेक्स्ट एग्जांपल आता है इसमें स्टार्च। ठीक है, स्टार्च इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली इजिली अवेलेबल पॉलीमर पॉलीसेकेराइड्स। ठीक है, नाउ used along with used along with suspending agents due to high viscosity
ऑफ ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं, जो आपका स्टार्च है ये भी विस्कोसिटी इंक्रीज करता है, हाई विस्कोसिटी करता है, ड्यू टू हाई विस्कोसिटी ऑफ मिसले ये क्या करते हैं, ये भी आपका थिकनिंग वाला काम करते हैं। अब आपका इसके इसी में अगला क्या है, सोडियम अल्जिनेट। सोडियम अल्जिनेट में क्या कर रहे हैं, 1% सोल्यूशन ऑफ सोडियम अल्जिनेट इज इक्विवेलेंट टू ट्राइकान मिसले। इसको ऐसा करते हैं, सोडियम अल्जिनेट का सस्पेंडिंग पावर ऑफ सोडियम अल्जिनेट कितना है, ये है कि आपको इस तरह से होगा, 1% सोल्यूशन ऑफ सोडियम अल्जिनेट इक्विवेलेंट टू ट्राइकान मिसले। तो इसमें आपका अगला जो पार्ट आता है वो है सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। ये कौन से हैं, सबसे पहला है मिथाइल सेलुलोज। मिथाइल सेलुलोज ये कितना यूज करते हैं, 0.5 to 2% के कंसंट्रेशन में। फिर आपका अगला क्या आता है, उसमें अगला आता है आपका सोडियम कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज, सोडियम सीएमसी बोलते हैं उसको, ठीक है। इसको कितना यूज करते हैं, 0.25 to 1%। अब उसके बाद में क्या करते हैं, सोडियम कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज सोडियम सीएमसी 0.25 to 1% है। देन उसके बाद लास्ट क्या बता रहा है इसमें, सी माइक्रोक्रिस्टलाइन सेलुलोज एमसीसी प्रिपेयर्ड फ्रॉम, कहां से बना रहा है, प्रिपेयर्ड फ्रॉम गुड सेलुलोज अगेन बाय एसिड पोरोसिस, ठीक है। अब इसके बाद से आपका नेक्स्ट जो आएगा वो है इनऑर्गेनिक एजेंट्स। इनऑर्गेनिक एजेंट्स हैं जो कि फ्लॉकुलेशन में एटिंग सब उसमें हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। स्टेबल इमल्शन सस्पेंशन तो इसके बाद आपका नेक्स्ट जो आता है इनऑर्गेनिक एजेंट्स। इसमें पहला एग्जांपल क्या है, क्ले। क्ले में क्या आता है, चाहिए एग्जांपल अगेन, जो एग्जांपल पूछता है कि एग्जांपल ऑफ क्ले यूज्ड एज यूज्ड इन कोलाइडल प्रिपरेशन, ठीक है। तो इसमें क्ले के एग्जांपल में आएगा आपका बेंटोनाइट, ठीक है, एल्युमिनियम मैग्नीशियम सिलिकेट। कितना यूज करेंगे इसको, 2% सॉल्यूशन इज यूज्ड, ठीक है, इसका 2% सॉल्यूशन ही यूज करते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है इसमें एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड कैसे है, यूज्ड इन सस्पेंशन कंटेनिंग बेरियम सल्फेट, कैलामाइन, सल्फोमाइड, ठीक है, सल्फोनामाइड्स एंड सल्फर इसमें एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, इसमें ये यूज करेंगे। अब इसमें नेक्स्ट आता है आपका सिंथेटिक कंपाउंड्स। सिंथेटिक कंपाउंड में क्या है, कार्बोमर्स है, कार्बोक्सी विनाइल पॉलीमर्स हैं ये, जो कि 0.1 to 0.4% कंसंट्रेशन में यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है ठीक है, अब इसके बाद से आपका जो नेक्स्ट आएगा सिंथेटिक में वो है कोलाइडल सिलिकॉन डाइऑक्साइड। ये क्या है, 1.5 to 4% इसको यूज करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका एजेंट है वो कहते हैं, उसको कहते हैं वेटिंग एजेंट्स, ठीक है। वेटिंग एजेंट्स में क्या है, कुछ और देखिए, दीज सब्सटेंस रिड्यूस इंटरफेसियल टेंशन बिटवीन सॉलिड पार्टिकल्स एंड लिक्विड मीडियम, ठीक है, सॉलिड पार्टिकल्स एंड लिक्विड मीडियम के बीच में क्या करते हैं, ये इंटरफेसियल टेंशन को रिड्यूस कर रहा है। एग्जाम्पल क्या है, अल्कोहल, ग्लिसरीन, पॉलीसॉर्बेंट, ठीक है, अल्कोहल का यूज कर रहे हैं इन ट्राइकान म्यूसिलेज, अल्कोहल इन ट्राइकान म्यूसिलेज बढ़िया से एक्ट करेगा, ग्लिसरीन इन सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम अल्जिनेट, सॉरी, वेटिंग एजेंट्स में
दिस सब्सटेंस रिड्यूस इंटरफेसियल टेंशन बिटवीन सॉलिड पार्टिकल्स एंड लिक्विड मीडियम, ठीक है, सॉलिड पार्टिकल लिक्विड मीडियम के बीच की जो इंटरफेसियल टेंशन उसको रिड्यूस करता है। अल्कोहल के लिए क्या है, अल्कोहल इन ट्रायकांत म्यूसिलेज, अल्कोहल इन ट्रायकांत म्यूसिलेज में यूज करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में म्यूसिलेज यूज कर रहे हैं, अब उसका दूसरा एग्जाम्पल क्या है, ग्लिसरीन इन सोडियम अल्जिनेट और बेंटोनाइट में यूज करेंगे, तो ये वेटिंग एजेंट की तरह काम करेगा। पॉलीसॉर्बेट इन पेरेंट्रल एंड ओरल सस्पेंशन में ऐड करेंगे तो वेटिंग एजेंट की तरह से काम करता है, ठीक है। तो ये आपका वेटिंग एजेंट था। इसके बाद आपका नेक्स्ट जो आता है वो आता है प्रिजर्वेटिव्स। अब प्रिजर्वेटिव्स इज अगेन वन ऑफ द इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स इन सस्पेंशन, बिकॉज क्या है कि कंटेमिनेशन के चांसेस हैं। आप गम्स यूज कर रहे हो, आप उसमें विस्कोसिटी इंक्रीज करने के लिए नेचुरल गम्स यूज कर रहे हो, विच आर मोर, उसमें फिंगल ग्रोथ के चांसेस हैं, कंटेमिनेशन के चांसेस हैं, ठीक है, क्योंकि जितने भी गम्स वगैरह है ना, दे आर यूज इन माइक्रोबायोलॉजी फॉर अ प्रॉपर मीडिया टू ग्रो माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है। तो प्रिजर्वेटिव ऐड करना जरूरी रहता है। तो क्या ऐड करते हैं इसमें, इट प्रिवेंट्स बैक्टीरियल ग्रोथ। एग्जाम्पल क्या है, बेंजोइक एसिड, सोडियम बेंजोएट, मिथाइल एंड प्रोपाइल पैराबेंस। ये कंसंट्रेशन बहुत कम होता है इसमें, 0.001 से लेके 0.1 or 2 इस तरह से कंसंट्रेशन यूज करते हैं, बहुत ही मिनिमम, क्योंकि यू आर यूजिंग प्रिजर्वेटिव नॉट पेस्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड कंसंट्रेशन ज्यादा लेंगे, ठीक है। अब इसके पास नेक्स्ट आपका आता है ऑर्गेनोलेप्टिक एडिटिव्स। ये क्यों ऐड करते हैं, यू नो मेन ओरल सस्पेंशन हम ऐड करते हैं कलरिंग एजेंट्स, फ्लेवरिंग एजेंट्स एंड स्वीटनिंग एजेंट्स। ये आपके ओरल प्रिपरेशन में ओरल सस्पेंशन में पड़ेंगे। कलरिंग एजेंट्स क्या करेंगे, दे विल इंपार्ट कलर्स टू द प्रिपरेशन। फ्लेवरिंग एजेंट्स, दे विल इंपार्ट फ्लेवर और यू कैन से फ्रेग्रेंस टू द प्रिपरेशन। एंड स्वीटनिंग एजेंट्स विल गिव स्वीट टेस्ट टू द प्रिपरेशन। अब इसमें थोड़ा सा ये समझने वाली चीज है, कलरिंग एजेंट्स और फ्लेवरिंग एजेंट्स, ये दोनों या इवन आप अगर शूटिंग एजेंट्स भी लो, ये क्या है, एफडीए अप्रूव्ड फूड एंड ड्रग कॉर्पोरेशन से अप्रूव्ड कलर डाई होनी चाहिए, जो कि अगर ओरल सस्पेंशन है तो ओरल सूटेबल होना चाहिए। कलरिंग एजेंट्स, फ्लेवरिंग एजेंट्स, अगेन ये सारी चीजें क्या है, फॉर ह्यूमन कंजम्पशन के लिए कैटेगरी का होना चाहिए, तो वो एफडीए से अप्रूवल लेके जो भी ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट्स में या एफडीए अप्रूव जितने भी आएंगे वो सारे इसमें इंक्लूड किए जाते हैं, कलरिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट, ठीक है। और स्वीटनिंग एजेंट्स भी आप जो ऐड करेंगे दे शुड बी ऑफ फार्मास्यूटिकल ग्रेड भी, ठीक है। अब इसमें कलरिंग एजेंट की बात करें तो सनसेट येलो, ब्रिलियंट ब्लू, इस तरह के जो कलर आते हैं, ये रेड ऑक्साइड, ये सब कलरिंग एजेंट्स हैं जो यूज करते हैं एज अ कलर इन कंसेंट बेस्ड ऑन कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन कैसा यूज कर रहे हैं उसके बाद उसका कलर की ग्रोथ कम ज्यादा कर सकती है। फ्लेवरिंग एजेंट्स, अच्छा कलर और फ्लेवर ये दोनों एक दूसरे को रिजेंबल करना चाहिए। अगर आप कह रहे हैं कि स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, तो उसका येलो या ग्रीन कलर का नहीं प्रिपरेशन होगा, फिर उसका स्ट्रॉबेरी कलर का मीन्स रेड कलर का जाएगा। ग्वावा फ्लेवर तो ग्रीन कलर का चलेगा, ठीक है। मैंगो फ्लेवर तो येलो दिखना चाहिए, ठीक है। तो बेस्ड ऑन आपका कौन सा कलर है और आप कौन सा प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो उस हिसाब से उसका कलर और फ्लेवर मैच करते हैं। स्वीटनिंग एजेंट्स नेचुरल भी होती है, सिंथेटिक भी होती है, और शुगर और सैकरिन के अलावा आजकल एक नया आया है उसको बोलते हैं स्टीविया, विच इज ऑल्सो इन हिंदी में उसको क्या नाम रखा, उसको मीठी तुलसी बोलते हैं, ठीक है, जो आजकल यूज किया जा रहा है, विच इज अ गुड रिप्लेसमेंट ऑफ सॉर्बिट्रेट और ये क्या नाम है सैकरिन का, ये बहुत बढ़िया सब्स्टिट्यूट है, नेचुरल सब्स्टिट्यूट है विद नो साइड इफेक्ट्स, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी। अब इसके बाद हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे अबाउट थियोरी ऑफ इमल्शन। थियोरी ऑफ इमल्शन में जो हमको डिस्कस करना है वो क्या है, वो है मोनो मॉलिक्यूलर एडजॉर्प्शन थियोरी, मल्टी मॉलिक्यूलर एडजॉर्प्शन थियोरी, सॉलिड पार्टिकल्स एडजॉर्प्शन थियोरी एंड फॉर्मुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल डबल वेव। ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे इन आवर
नेक्स्ट क्लास, थैंक यू।